अवस्था में जाएंगे सब इंद्रिय बड़े हो जाओगे। तू ही सत्य है, तू ही नित्य है, तू ही शाश्वत है, तू ही अविनाशी है, तू ही नटगटवासी है, तू ही व्यापक है, तू ही परमानंद है, तू ही अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। भगवान का परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मेरे पास बहुत ही लोग आते हैं पूछते हैं, आप किसी को भी पकड़ लो, राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को मांगो, माँ को पकड़ो, सब घुमा फिर के वही चीज है। तो मेरे गुरु जी से पूछा, अगर स्वामी जी जानते हैं वृंदावन का, वो क्या कहते हैं, सोना तो वही है, आप कुंडल बना लो, काड़ी बना लो, चूड़ी बना लो, सोना तो वही है, वो थोड़ा वेदांत का ज्यादा चुका हुआ है। कार्य और कारण, कारण क्या है, सोना है, कार्य उसको रूप दे दिया, ये वेदांत में भी कहते हैं कार्य होता है। हाँ, कार्य और कारण मिट्टी का देख लो, मिट्टी हर चीज मिट्टी से बनी है, लेकिन और इस संसार को भी समझना हो तो कुमार से समझ सकते हो कि अपन घड़ा तो दिखाई देता है, ठीक है, पर जब उस रूप ने खाला देते हैं, घड़ा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब अपन को ये कहता है भगवान नहीं है तो फिर ये घड़ा कहाँ से है, तो कुमार का होना किससे सिद्ध होता है, घड़े से, घड़े से। उसी तरह संसार का होना किसे क्या सिद्ध करता है, भगवान का। हाँ, वही है। अभी ये संसार बना तो दिया, लेकिन बनाने वाला नजर नहीं आता, तो लोग क्योंकि भगवान है नहीं, तो भगवान नहीं है तो ये संसार कहाँ से है, भगवान का काम ही नहीं है। आप जो आपका जो अंदर बोल रहे हो भगवान ही बोल रहा है। एक बात बताओ, घड़े को देख के कोई ये कहे कि कुमार नहीं, घड़े को देख के कोई ये कहे कि कुमार नहीं है तो वो मूर्ख है। उसी तरह संसार को देख के कोई ये कहे भगवान नहीं है तो वो भी मूर्ख हुआ। बिल्कुल हुआ, नहीं हुआ, हुआ। नित्य शाश्वत है, अविनाशी है। देखो आपको बताऊं, मैं कुंती माता ने कहा तू ही सत्य है, तू ही नित्य है, तू ही शाश्वत है, तू ही अविनाशी है, तू ही नटगटवासी है, तू ही व्यापक है, तू ही परमानंद है, तू ही अभिगत अकत अपार नेति नेति नित निगम का। सारी बात नेति नेति सब तू ही है, तू ही है, तेरे सिवा कुछ नहीं। और कृष्ण से मांगा क्या, दुख मांगा, सुख के माते शील पड़ो नाम हृदय से जाए, वो दुख के बलिहारी जो पल पल नाम रचाए। सुख देखो आपके से एकदम रामायण में है, बालिया सुग्रीव का हुआ, सुग्रीव को धन संपत्ति मिल गई, भगवान से प्रमिश करके आया कि मैं 6 महीने काम दाम सीधा ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन वो नाश गान में पैसा में कभी में रह गया। अब सावन बीत गई पूरा, और इतना बारिश हो गई बीत गए, तो भगवान कृष्ण भगवान राम यही तो परीक्षा लेते हैं, सही कि आप कहाँ तक हो। ये सब कुछ नहीं है, कुछ है, कुछ है, कुछ है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान। सही बात, उमा दारू जसित के नाई सब ही नचावत राम गोसाई। अब सीता अपने क्या बात करो, पार्वती ने परीक्षा ली, उनकी कैसी दुर्गति हुई। हाँ, भगवान की क्या परीक्षा ली, भगवान का परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए भगवान। मेरे पास बहुत ही लोग आते हैं पूछते हैं कि महाराज जी भगवान ने ऐसे किया, मैंने कहा भगवान ने नहीं किया, तुम आपने जो क्रिया है भगवान पे थोपते हो, जैसे हम है ऐसे नहीं है, आप इंद्रिया का वशीभूत है, रूप रस गंध स्पर्श ज्ञान, ये हम मनुष्य जो मनुष्य होता है इसके वशीभूत है, पंच पंचभूत, ये पांच ज्ञान इंद्रिय जब आ जाएगा, जब आपका इंद्रिय अतीत हो जाएंगे, आप ज्ञानातीत हो जाएंगे, भावातीत हो जाएंगे, तब आपका परमात्मा, जहां परमात्मा देंगे वहां आपका पानी देंगे। आप प्रैक्टिकल करके देखो, वेदांत यही कहते हैं, जहां विज्ञान का समाप्त हो जाता है वहीं से परमात्मा शुरू होता है। सही, जहां आपका इंद्रिय का समाप्त हो जाता है, आप तुरीय वस्तु में देखो जाके, तुरीय वस्तु में जाएंगे सब इंद्रिय बड़े हो जाओगे, इंद्रिय अतीत हो जाएगा। हम खाते हैं, हमारा जीभ के अग्रभाग है, वहीं से स्वाद आता है, दो इंच पीछे ले जाओ बराबर। इसी तरीके से ये इंद्रिय का क्षणिक सुख होता है, एकदम क्षणिक सुख है। जब इस तरह पूर्ण ज्ञान होता है तब आप कहेंगे जय जय अविनाशी, घट घट मानस में देखो सब घट बासी
व्यापक परमानंद अविगत गौतितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद जी लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि बिंद। सबके पास सच्चिदानंद ब्रह्म सबके घर में रहते हुए भी वो अलग है, यही सब कह रहे हैं। महाराज जी कथा सुनने जाना है। बहुत चाहिए आपको स्वागत हो आपका। ये कुछ एकाद पद और पद से ही शांत करो, ये भजन हो कोई सा। आपने सारा रिकॉर्डिंग किया, मैं आपको व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कर दूंगा, देख लीजिए। मैं कथा नहीं कर सकता। सही कह रहे हो, प्रणाम करो, प्रणाम कर लो तो चलते। जो डूब गया पूरा रास्ते डूब गया, कभी देखेंगे ये क्या हो गया।